एक दो दिन बाद भूल जाओगे। जिसने कॉन्सेप्ट को समझा ना, वो चीजों को अपने दिमाग में बिठा पाएगा। ये देखो, ये बात जो तुम्हें बता रही हूँ, ये मुझे थर्ड क्लास में हमारे स्कूल में हमारी टीचर ने बताई थी, और अब मैं हर बैच में कोशिश करती हूँ बच्चों को बताऊँ। बहुत अच्छी टीचर थी हमारी, रविंदर कौर, साइंस पढ़ाती थी, ईवीएस जो आज होता है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया था कि हमारा दिमाग ना एक अलमारी है, जैसे घर में अलमारी होती है, कबर्ड जिसको आप वार्डरोब कह सकते हैं कपड़े रखने के लिए। इसमें हम सब अपने अलमारी में कपड़े रखते हैं, दिमाग एक अलमारी है, इसमें इंफॉर्मेशन रखते हैं। कुछ लोगों के कपड़े रखने का तरीका ये होता है, अपने सारे कपड़े धोए, उतारे और इकट्ठे करके उसमें ठूस दिए, अपने कपड़ों को वो ऐसे इसमें ठूस देते हैं पूरा, उन्हें खुद नहीं पता कहाँ कौन सी शर्ट है कौन सी पैंट। कुछ लोग होते हैं सिस्टमैटिक, अपने कपड़े धुले, कपड़ों को उतार के बाहर से एक एक को प्रेस किया अच्छी तरह से, और इसमें सिस्टमैटिक तरीके से कपड़ों को लगा दिया, उनके सारे कपड़े उनको पता है, ब्लैक शर्ट कहाँ है, वाइट शर्ट कहाँ है, येलो कुर्ता कहाँ है, सब पता है, सब दिख रहा है। ऐसे हम लोग इन्फॉर्मेशन को डालते हैं दिमाग में। कुछ लोग क्या होते हैं, बस रट लो, अरे बस मुझे रटने दो। वो नहीं देखा था चतुर, चतुर याद है, अरे मुझे मतलब नहीं था, बस रटने से मतलब है। तो देखा था कैसी बेइज्जती हुई थी। रटने वाले हमेशा पीछे रहेंगे। ये रटने वाले इस तरह के होते हैं, बस दिमाग में ठूस ली इन्फॉर्मेशन, समझनी नहीं है। राष्ट्रपति तैयार कर रहे हैं तो रट्टे मार रहे हैं, ये राष्ट्रपति ऐसा, ये ऐसा ऐसा, याद ही नहीं होगा। जिसने उसको इंसान समझ के नहीं पढ़ा कि ये मेरे जैसा इंसान था, इसने ये काम किए, पेपर में आएंगे, मुझे याद करने हैं, बस सीधे रटना है रटना है। ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी आपको डुबो देगी, और आपको पता है क्या एहसास कराएगी, कि क्वेश्चन जो आया मैंने पढ़ रखा है, पर अब याद नहीं आ रहा किसका आंसर क्या है। तुमने देखा छोटे बच्चे कई बार कहते हैं मुझे आता है बस एक वर्ड बता दो, और वो वर्ड अगर वो भूल गए तो उनको आएगा ही नहीं, और वो वर्ड याद रहा तो वो तोते की तरह सुना देंगे। वो याद करते हैं या वो रटते हैं? तो तुम्हारी एज तक यही चल रहा होता है, हम हर चीज को दिमाग में ना बस घुसा रहे हैं घुसा रहे हैं घुसा रहे हैं। अब तुम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो, अब ऐसे काम चलेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इसी के लिए कोचिंग क्लास चाहिए होती है। कोचिंग में टीचर क्या हेल्प करता है, ज्ञान तो उतना ही होता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ दिव्य ज्ञान दे रही हूँ, सब किताबों में लिखा है, गूगल पे हर चीज है, लेकिन वहां से पढ़ के हमें समझ में नहीं आती, वहां से ऐसी स्थिति हो जाती है, इसको इसमें कन्वर्ट करने का काम टीचर कर देता है। लेकिन ये सिस्टम जो है ना, ये रखना तुम्हें अपने आप पड़ेगा दिमाग में। मैं तो सिर्फ प्रेजेंट कर सकती हूँ। लर्निंग की चार स्टेजेस होती हैं, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। लर्निंग जो मैंने अब बताई जितनी बातें, सब लर्निंग में आ गई तुम्हारी, लेकिन ये बचेंगी तुम्हारे दिमाग में रिटेंशन से। रिटेंशन मतलब रखना। अब तुम दिमाग में इसको इस तरीके से सजाओगे तो ये रह गई। तुम्हें पता है आपातकाल 3 बार लगा, बाप बेटी ने लगवाया, और 3 राष्ट्रपति गिरी हुई हरकत पाकिस्तान की थी, और फोन घुमाया था फखरुद्दीन जी को, और चीनी का भोग लगता है राधा कृष्ण को। तो यही तो सिस्टम है। अब पहला यंगेस्ट था लड़कियों के नाम वाला, नीलम। सबसे एज्ड थे जिनको सुनने में, केआर। सबसे जवान मरे थे फोन वाले, फखरुद्दीन। सबसे बुजुर्ग मरे थे रामा स्वामी, राम का नाम। इसी को बोलते हैं ये सिस्टम। मैंने बता दिया, याद तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है ना, जो इसको क्रॉस कर लेगा उसकी नौकरी आसानी से लगेगी। मैंने बहुत बार देखा है एवरेज बच्चे नौकरी लग जाते हैं और बहुत इंटेलिजेंट बैठे ही रह जाते हैं। इसमें इंटेलिजेंस काम नहीं आता, बहुत थोड़ी सी जरूरत होती है। इंटेलिजेंस एवरेज है ना, तब भी आपकी मेहनत और मेहनत किस दिशा में की गई, ये दो बातें आपको जॉब दिला देंगी। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड उस स्कूल से उस कॉलेज से बिल्कुल अलग है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ये नहीं है कि भाई मैं अच्छा लिख दूं तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ आपको टू द पॉइंट आंसर आता है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आपको नंबर मिलेगा। यहाँ वो वाली बात नहीं है कि एक बात पता और 20 बार घुमा के वही एक बात लिख दी और टीचर को पागल बना के 5 में से 3 नंबर ले लिए। स्कूलों में ऐसे ही करते हैं ना। निबंध लिखना है, 4 बात पता है, निबंध को ऐसा छाप देंगे पता नहीं कितना ज्ञानवान है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पूछा उन्होंने कि मान लो प्यूर्टो रिको निम्न में से कहाँ स्थित है, तुमने सुना ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या कैसे लिखोगे इसको? ये तो सीधा सुना है तो टिक मार्क करोगे, नहीं सुना तो नंबर गया। इसीलिए यहाँ सिस्टम ऐसे बनाना पड़ेगा, और ये सिर्फ मेहनत से बन सकता है। इसके लिए दिशा ठीक हो। दिशा हम देते हैं, टीचर्स
मेहनत हमेशा स्टूडेंट ही करता है। कोई टीचर किसी के हिस्से की मेहनत नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे दिमाग में जाके ये नहीं बैठा सकती कि भाई अब मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 4 बजे। वो तुम्हें खुद देखना है तुम्हारे घर का सिस्टम कैसा है, तुम्हें कमरा मिल सकता है अलग कि नहीं, तुम्हें सबके बीच में पढ़ना है तो किस टाइम उठ के पढ़ना है। सबके घरों में दिक्कतें होती हैं। ऐसा कोई बहुत लकीएस्ट लोग जो होते हैं ना कि भैया अपना कमरा, अपना एसी सब कुछ मिल गया, ऐसा हर किसी के पास नहीं होता। सबको परिवार के बीच में रह के अपनी जगह बनानी पड़ती है, उसके बाद वो काबिल बनते हैं और फिर अपना कमरा, अपना एसी सब मेंटेन कर लेते हैं। आम आदमी के परिवार में इतनी ऐश वाली जिंदगी थोड़ी ना होती है। ये तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी उसी परिवार के बीच में रह के। ये दो चीजें हैं, दिशा टीचर दिखाएगा, मेहनत स्टूडेंट करेगा, और इस ज्ञान से कभी नौकरी नहीं लगोगे। ये जो बिखरा हुआ ज्ञान होता है ना, पता ही नहीं कहाँ से क्या आ गया, इतना पता है बस सुन रखा है, इसको इसमें तब्दील करना है। इसी को बोलते हैं, ये 1 साल का सफ़र है, मिनिमम 1 साल लगता है यहाँ से यहाँ तक चलने में। ये आपकी किस्मत है कि उस 1 साल में कितने पेपर होते हैं, उसका रिजल्ट कब तक आते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को 1.5 साल भी लग जाता है, 2 भी, मान लो पेपर ही ना हो। अब जैसे हरियाणा की बात करूँ तो जनवरी से अब जून आने वाला है, 1 भी पेपर नहीं हुआ। अब 1 साल वाले बैठे रह जाएंगे, 1 साल तो पता नहीं कब तक ये पेपर ना लें, इनका कोई भरोसा थोड़ी ना है। सरकार अगर 1 साल में 10 पेपर लेती है, 10 के 10 भरो। लकी होते हैं वो लोग जिनको बार बार पेपर देने का मौका मिलता है, गलतियों से सीखा जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब हरियाणा सरकार जैसे जो लोग हैं इनसे सब बेहतर है, फिर भी अब सरकार के थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, नौजवान जाग गए हैं, अपने राइट्स की जब बात उठेगी तो सरकार को पेपर लेने पड़ेंगे। जब सरकार पेपर ले तो तुम्हारा पेपर पास हो, इतनी मेहनत कर लेना। ऐसा ना हो पेपर में तुम फिर पीछे रह जाओ, फिर 1 साल तक फिर बैठे रहो कि पेपर होगा, वो पेपर पता नहीं दोबारा कब होगा। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करना हर स्टेट में, चाहे तुम सेंट्रल लेवल के एग्जाम दो, नेशनल लेवल के, या अपने स्टेट के, हरियाणा बिहार यूपी के, जहां भी। ठीक है, तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ लिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है?